नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे बिल्डिंग मटेरियल। तो यदि बात करें बिल्डिंग मटेरियल की, तो वो चाहे SSC JEE हो, चाहे RVJEE हो, चाहे DMRC हो, चाहे LMRC हो, चाहे और कोई भी JEE लेवल के कंपटीशन हो या AE लेवल में भी कुछ ये आता है। तो यदि देखें कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो सब्जेक्ट आपका बिल्डिंग मटेरियल है, ये आपके काम का भी सब्जेक्ट है और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसमें जो पूरे चैप्टर तो उतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, लेकिन जो कुछ चैप्टर हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, खासकर आपका SSC JEE के नज़रिए से। तो आइए इसको पढ़ने से पहले देख लेते हैं हम लोग कि इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्टोन के बारे में, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ब्रिक के बारे में, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लाइन के बारे में, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर अध्ययन करेंगे टिम्बर का, उसके बाद पेंट का अध्ययन करेंगे पेंट के बारे में, उसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे फेरस एंड नॉन फेरस मेटल के बारे में, मेटल या मटेरियल के बारे में, उसके बाद हम लोग प्लास्टिक के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बाद ग्लास के बारे में अध्ययन करेंगे, और उसके बाद जो लास्ट चैप्टर है आपका इंसुलेटिंग मटेरियल। इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, जो शुरू के आपके 5 चैप्टर हैं, पहला आपका स्टोन, दूसरा है ब्रिक, तीसरा है लाइन और चौथा है टिम्बर और पांचवा है पेंट। तो ये जो 5 चैप्टर हैं, इन चैप्टर में से आपका जो स्टोन, ब्रिक और टिम्बर है, टिम्बर तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है टिम्बर चैप्टर को। तो ये देखा जाए शुरू के 5 चैप्टर ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और इनसे क्वेश्चन अवश्य ही पूछा जाता है। तो हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। यदि देखा बात करें बिल्डिंग मटेरियल की, तो आपका कोई भी कठिन सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। थ्योरी हम इतना आसानी से पढ़ाएंगे कि आप लोग बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। और बात आती है स्टूडेंट को दिक्कत आती है वहीं से कि क्वेश्चन कहाँ से पुटअप होते हैं। तो क्वेश्चन कहाँ से पुटअप होते हैं इसको भी हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिए जाते हैं इसको भी हम लोग देखेंगे। तो हम लोग बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। तो आइए इसी क्रम में आज हम लोग सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे स्टोन। तो यदि बात करें स्टोन की तो स्टोन मीन्स आप लोग सभी लोग समझते होंगे पत्थर होता है। स्टोन आपका प्राप्त होता है राख से स्टोन प्राप्त होता है। बात आती है राख कहाँ से प्राप्त होता है, तो राख आपका प्राप्त होता है मिनरल से। तो यानी मिनरल से राख प्राप्त होता है और राख से स्टोन प्राप्त होता है। तो बात आती है मिनरल क्या होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा मिनरल आपका नेचुरल पोजिशन में, यानी खनिज पदार्थ या खनिज प्राकृतिक अवस्था में पाया जाने वाला सॉलिड मटेरियल होता है। यानी जो आपका मिनरल है वो प्राकृतिक अवस्था में पाया जाने वाला सॉलिड पदार्थ या ठोस पदार्थ होता है। यदि बात की जाए राख के क्लासिफिकेशन के बारे में मिनरल के उपस्थिति के आधार पर, तो एट द प्रेजेंस ऑफ मिनरल राख विल बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। यानी मिनरल की उपस्थिति के आधार पर राख को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला आपका मोनो मिनरलिक रॉक, यानी मोनो मिनरलिक रॉक, और दूसरा है आपका पॉली मिनरलिक रॉक। तो ध्यान से देखिएगा क्या होता है मोनो मिनरलिक रॉक। तो जब रॉक का फॉर्मेशन आपका एक ही मिनरल से होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं मोनो मिनरलिक रॉक। यानी जब रॉक का फॉर्मेशन या रॉक का निर्माण
एक ही मिनरल से या एक ही मिनरल से मिलकर जब रॉक का फॉर्मेशन या निर्माण होता है तो उसे हम लोग मोनो मिनरलिक रॉक कहते हैं। तो मोनो मिनरलिक रॉक के एग्जांपल के बारे में बात की जाए तो आपका एग्जांपल है मार्बल, जिप्सम, इत्यादि। मार्बल है, जिप्सम है और कई भी आपके मोनो मिनरलिक रॉक हैं। यदि बात की जाए पॉली मिनरलिक रॉक के बारे में तो पॉली मतलब दो या दो से अधिक, मोनो मिन एक होता है। तो परिभाषा आप लोग समझ ही गए होंगे कि क्या होगी पॉली मिनरलिक रॉक की डिफिनेशन। तो जब रॉक का फॉर्मेशन दो या दो से अधिक मिनरल से होता है उसे हम लोग पॉली मिनरलिक रॉक कहते हैं। तो दो या दो से अधिक मिनरल से मिलकर जब रॉक का फॉर्मेशन होता है उसे हम लोग पॉली मिनरलिक रॉक कहते हैं। इसके एग्जाम्पल के बारे में बात की जाए तो इसका एग्जाम्पल है आपका ग्रेनाइट। अब बात आती है ग्रेनाइट में कौन कौन से मिनरल होते हैं। आपका मिनरल होता है क्वार्टज, दूसरा होता है फेल्डस्पार, तीसरा होता है माइका। तो ये आपका था रॉक का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एट द प्रेजेंस ऑफ मिनरल, यानी मिनरल की उपस्थिति के आधार पर रॉक को दो भागों में डिवाइड किया गया है, मोनो मिनरलिक और पॉली मिनरलिक रॉक। इसके बाद अगला टॉपिक है कि रॉक की प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करती हैं। तो रॉक, चूँकि रॉक आपका मिनरल से मिलकर बना होता है तो रॉक की प्रॉपर्टीज आपके मिनरल की प्रॉपर्टीज पर ही डिपेंड करेंगी, यानी मिनरल की जो प्रॉपर्टीज होंगी वही रॉक की भी प्रॉपर्टी होगी। तो बात करें मिनरल की प्रॉपर्टी के बारे में तो पहली प्रॉपर्टी आपकी है हार्डनेस। मिनरल की पहली प्रॉपर्टी आपकी हार्डनेस, हार्डनेस में कठोरता होता है। तो मिनरल की हार्डनेस को मोस्ट स्केल पर मेजर किया जाता है, मोस्ट स्केल पर मेजर किया जाता है। और इसको हम लोग हार्डनेस को गामा से डिनोट करते हैं, इसको इस तरीके से लिखा जाता है, गामा से डिनोट करते हैं। तो मोस स्केल पर ध्यान दीजिएगा, मोस स्केल पर यदि गामा की वैल्यू बढ़ रही है तो उस मिनरल की हार्डनेस आपकी बढ़ती जाएगी। कुछ मिनरल्स हैं उनकी जो गामा की वैल्यू है उसको हम लोग देख लेते हैं। मिनरल हैं जो कभी कभी पूछ लिया आता है, गामा की वैल्यू पूछ ली जाती है कभी कभी किसी मिनरल की। तो पहला है आपका टार, टाक का जो हार्डनेस की वैल्यू होती है एक होती है गामा की वैल्यू। दूसरा है आपका जिप्सम, जिप्सम की आपकी दो होती है। तीसरा है आपका कैल्साइट, इसकी आपकी होती है तीन। चौथा है आपका फ्लोराइट, चौथा है आपका फ्लोराइट, इसकी आपकी गामा की वैल्यू चार होती है। पांचवा है आपका एपेटाइट, इसकी आपकी पांच होती है। छठा है आपका फेल्डस्पार, इसकी आपकी छह होती है। और सातवां है आपका क्वार्टज, इसकी आपकी सात होती है। और अगला है आपका टोपज, इसकी आठ होती है। और अगला है कोरंडम, इसकी नौ होती है। और लास्ट है आपका डायमंड, इसकी आपकी दस होती है। तो टाक की एक, जिस्म की दो, कैल्साइट की तीन, फ्लोराइट की चार, एपेटाइट की पाँच, फेल्डस्पार की छः, क्वार्टज की सात, कोपज की आठ, कोरंडम की नौ और डायमंड की दस। कुछ और भी मिनरल्स हैं उनके भी गामा की वैल्यू हम लोग देख लेते हैं। तो जो सर्पेंटाइन की वैल्यू होती है आपकी चार होती है, मोस्ट स्केल पर सर्पेंटाइन की हार्डनेस की वैल्यू चार होती है। और यदि हम माइका की देखें तो दो से तीन के बीच होती है। और यदि डोलोमाइट की बात करें तो चार से पाँच की बीच होती है। यानी सर्पेंटाइन की मोस्ट स्केल पर वैल्यू चार होती है, माइका की दो से तीन के बीच होती है और डोलोमाइट की चार से पाँच होती है। इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी है आपकी स्ट्रीक। तो क्या होता है स्ट्रीक, स्ट्रीक का मतलब मिनरल के पाउडर फॉर्म में कलर से है, जो मिनरल का पाउडर फॉर्म में कलर होता है। तो स्ट्रीक का मतलब आपका मिनरल के पाउडर फॉर्म में कलर से है, क्योंकि जो कुछ मिनरल होते हैं उनका
जो ओरिजिनल कलर होता है और जो पाउडर सामने कलर होता है वो भिन्न भिन्न होते हैं। तो फिर से समझिएगा स्ट्रीक का मतलब क्या होता है। स्ट्रीक का मतलब मिनरल के पाउडर फॉर्म में कलर से है, क्योंकि कुछ मिनरल का पाउडर फॉर्म में कलर उनके ओरिजिनल कलर से भिन्न होता है। अगली प्रॉपर्टी है आपकी लस्टर। लस्टर की हिंदी होती है आपकी चमक। तो लस्टर क्या होता है, जैसे आपके हिंदी होती है इसकी चमक, इससे ही आपको पता चल गया होगा कि लस्टर का मतलब मिनरल के सरफेस की चमक से है। लस्टर का मतलब होता है वो आपका मिनरल के सरफेस की चमक से है। तो पहली प्रॉपर्टी थी आपकी हार्डनेस, दूसरी थी स्ट्रीक और तीसरी है आपकी लस्टर। इसके बाद मेन टॉपिक आपका है रॉक। तो हम लोग अब पढ़ेंगे रॉक के बारे में। तो यदि बात करें रॉक की, तो जो रॉक का क्लासिफिकेशन है उसको तीन बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है। रॉक का क्लासिफिकेशन तीन भागों में डिवाइड किया गया है इसका। इसको पहला है आपका जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा है आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन, तीसरा है आपका केमिकल क्लासिफिकेशन। रॉक को तीन भागों में क्लासिफाई किया गया है। पहला है जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा है फिजिकल क्लासिफिकेशन, तीसरा है केमिकल क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। तो ऑन द बेसिस ऑफ जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन रॉक विल बी डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स। यानी जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर रॉक को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका इग्नियस रॉक, दूसरा है आपका सेडिमेंट्री रॉक, तीसरा है आपका मेटामॉर्फिक रॉक। तो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर रॉक को तीन भागों में बांटा गया है। पहला आग्नेयस रॉक, दूसरा है सेडिमेंट्री रॉक और तीसरा है आपका मेटामॉर्फिक रॉक। तो बात करें यदि आग्नेयस रॉक की, तो मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन से आपका आग्नेयस रॉक बनता है। किसके सॉलिडिफिकेशन से बनता है, मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन से आपका जो आग्नेयस रॉक होता है उसका फॉर्मेशन होता है। तो देखा जाए मैग्मा क्या होता है, तो जो मिनरल होते हैं वो अर्थ सरफेस के काफ़ी नीचे टेम्परेचर अधिक होने के कारण पिघली हुई अवस्था में पाए जाते हैं। और जब वही मिनरल अर्थ सरफेस के समीप या अर्थ सरफेस के ऊपर आते हैं तो उनका संपर्क एटमॉस्फेयर से होता है, यानी वायुमंडल से होता है, जिसके कारण वे कठोर होते हैं यानी सॉलिडिफाई होते हैं। उसी के कारण आपका रॉक का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखें यदि आग्नेयस रॉक के बारे में, तो आग्नेयस रॉक को भी तीन भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले देखेंगे हम लोग, मान लीजिए आपका मैग्मा है, यह मैग्मा लूज अर्थ सरफेस से आपका बाहर आएगा। तो जो आपका बाहर आकर सॉलिडिफाई होकर रॉक का फॉर्मेशन करेगा उसे हम लोग कहेंगे इक्सट्रसिव रॉक, या इसका दूसरा नाम भी आपका वोल्केनिक रॉक, और इसको एक नाम से और भी जानते हैं इफ्यूजिव रॉक। इसके तीन नाम हैं, इक्सट्रसिव भी कह सकते हैं, वोल्केनिक भी कह सकते हैं और इफ्यूजिव भी कह सकते हैं। यानी जो मैग्मा अर्थ सरफेस के ऊपर आकर सॉलिडिफाई होकर रॉक का फॉर्मेशन करता है उसे हम लोग एक्सट्रसिव और वोल्केनिक और इफ्यूजिव रॉक कहते हैं। और जो मैग्मा अर्थ सरफेस के नीचे सॉलिडिफाई होकर एटमॉस्फेयर के संपर्क में होकर आकर सॉलिडिफाई होकर रॉक का फॉर्मेशन करता है उसे हम लोग कहते हैं इंट्रसिव रॉक। तो परिभाषा आप लोग जान ही गए होंगे, यानी जो रॉक का फॉर्मेशन अर्थ सरफेस के ऊपर होगा उसे हम लोग इंट्रसिव रॉक कहेंगे, और जो आपका अर्थ सरफेस के नीचे होगा उसे इंट्रसिव रॉक कहेंगे। इंट्रसिव को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। जो अर्थ सरफेस के थोड़ा सा नीचे होगा उसे हम लोग कहेंगे हाइपाबेसल, हाइपाबेसल रॉक, और जो उसके नीचे होगा यानी जो अर्थ सरफेस के काफी नीचे होगा
उसे हम लोग कहेंगे प्लूटोनिक राग। यानी हाइपरवेसल राग किसे कहते हैं, जब मैग्मा अर्थ सरफेस के थोड़ा सा नीचे आकर साल्डिफाई होकर राग का फॉर्मेशन करता है उसे हम लोग हाइपरवेसल राग कहते हैं, और जो मैग्मा अर्थ सरफेस के काफी नीचे सॉलिडिफाई होकर राग का फॉर्मेशन करता है उसे हम लोग प्लूटोनिक राग कहते हैं। तो मैंने बताया था आग्नेयस राग को तीन भागों में डिवाइड किया गया है, पहला वही आपका एक्सप्रेसिव राग, दूसरा हाइपरबेसल, तीसरा प्लूटोनिक राग। या इसको दो भागों में कह सकते हैं, एक्सप्रेसिव और इंटरसिव। इंटरसिव को दो भागों में हाइपरबेसल और प्लूटोनिक राग कहते हैं। वैसे तो यदि देखा जाए आसानी से समझने के लिए तीन भाग आराम रहेंगे, पहला इंटरसिव हो जाएगा या एक्सप्रेसिव, पहला दूसरा एक्सप्रेसिव और दूसरा हाइपरबेसल और तीसरा प्लूटोनिक राग। अब इस बात करेंगे इसके एग्जांपल के बारे में। तो बात करें यदि एक्सप्रेसिव और वोल्केनिक और इफ्यूजिव राग के एग्जांपल के बारे में, तो आपका इसका एग्जांपल हो जाएगा बेसाल्ट एंड ट्रैप। यदि बात करें हाइपरबेसल राग की, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा डोलेराइट। और यदि बात करें प्लूटोनिक राग के एग्जांपल के बारे में, तो आपका इसका एग्जांपल हो जाएगा ग्रेनाइट, गैब्रो, पिग्मेटाइट, ईटीसी। यानी एक्सट्रसिव राग का एग्जांपल हो जाएगा बेसाल्ट एंड ट्रैप, और आपका जो हाइपरबेसल है उसका हो जाएगा डोलेराइट, और जो आपका इंट्रसिव राग है उसका एग्जांपल हो जाएगा ग्रेनाइट, गैब्रो, पिग्मेटाइट इत्यादि। तो ये आपका था पूरा आग्नेयस राग के बारे में, यानी आग्नेय चट्टान के बारे में। फिर से समझ लीजिएगा, मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन से आपका आग्नेयस राग का फॉर्मेशन होता है। आग्नेयस राग को तीन भागों में क्लासिफाई किया गया है, पहला एक्सट्रसिव, दूसरा हाइपरबेसल, तीसरा है प्लूटोनिक। तो फिर से समझ लीजिएगा, मैग्मा जो होगा लूज अर्थ सर्फेस से बाहर आएगा, जो अर्थ सर्फेस के ऊपर सॉलिडिफाई होकर राग का फॉर्मेशन करेगा उसे हम लोग एक्सट्रसिव और वोल्केनिक और इफ्यूजिव राग बोलेंगे, और जो अर्थ सरफेस के नीचे होगा, थोड़ा सा नीचे होगा, उसे हम लोग हाइपरबेसल कहेंगे, और जो काफ़ी नीचे होगा उसे हम लोग प्लूटोनिक राग कहेंगे। अब दूसरा आपका सेडिमेंट्री राग, दूसरा है आपका सेडिमेंट्री राग। तो सेडिमेंट्री राग के बारे में बात करें, तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे सेडिमेंट मतलब होता है पार्टिकल। एक बात और ध्यान दीजिएगा, नोट पॉइंट है एक आपका आग्नेयस राग में, जो मैग्मा होता है वो कभी भी आपका स्ट्रेटिफाइड नहीं होगा, यानी लेयर्स के इन फॉर्म ऑफ लेयर्स कभी भी नहीं होगा, यानी मैग्मा जो होगा कभी भी लेयर्स के फॉर्म में नहीं पाया जाएगा। जब लेयर्स के फॉर्म में नहीं पाया जाएगा तो जो आग्नेयस राग होगी नॉट इन लेयर्स में होगी, यानी लेयर्स के फॉर्म में नहीं होगी। तो आग्नेयस राग को हम लोग अनस्ट्रेटिफाइड राग भी बोल सकते हैं, यानी अपरतदार या बिना परत के राग भी बोल सकते हैं हम लोग इसको, आग्नेयस राग को। यानी आग्नेयस राग आपका अनस्ट्रेटिफाइड राग भी होती है। अब आइए बात करते हैं सेडिमेंट्री राग के बारे में। तो सेडिमेंट मतलब होता है आपका पार्टिकल। तो सेडिमेंट्री का मतलब होता है कि एक परत बन गई हो, उसके ऊपर दूसरी परत का फॉर्मेशन हो रहा हो, उसे हम लोग बोलेंगे सेडिमेंट्री राग। यानी एक पार्टिकल का एक परत आपका बन गया हो, उसके ऊपर दूसरी परत बन रही हो, उसे हम लोग बोलेंगे सेडिमेंट्री राग। जैसा कि सेडिमेंट मतलब होता है पार्टिकल, पार्टिकल टू पार्टिकल मिलकर लेयर्स का फॉर्मेशन करते हैं, यानी सेडिमेंट्री राग को हम लोग स्ट्रेटिफाइड राग भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, ये मैंने बताया कि सेडिमेंट मतलब होता है पार्टिकल, और सेडिमेंट्री मतलब होता है एक लेयर का फॉर्मेशन हो गया हो, दूसरे लेयर का फॉर्मेशन हो रहा हो, उसे हम लोग सेडिमेंट्री बोलेंगे। तो सेडिमेंट्री राग क्या होता है कि जो आपके जो पार्टिकल होते हैं, एक लेयर का फॉर्मेशन हो गया हो और दूसरे लेयर का फॉर्मेशन आपका होता है, उसे हम लोग बोलते हैं सेडिमेंट्री राग। तो यानी पार्टिकल के डिपोजिशन के कारण ही आपका जो प्रेशर के अंतर्गत राग का फॉर्मेशन होता है उसे हम लोग सेडिमेंट्री राग बोलते हैं। यदि इसके एग्जांपल के बारे में बात करें तो आपका है डोलोमाइट, सैंडस्टोन, डायटोमाइट, लाइमस्टोन, इटीसी। यानी इसका सेडिमेंट्री राग का एग्जांपल हो जाएगा डोलोमाइट, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, डायटोमाइट इत्यादि। अब तीसरा है आपका मेटामॉर्फिक राग।
अग्नेय राग कम हो गया आपका, सेडिमेंटरी राग हो गया। अब तीसरा है आपका मेटामॉर्फिक राग। तो ध्यान दीजिएगा, मेटामॉर्फिक मतलब रूपांतरित चट्टाने। रूपांतरित के नाम से ही पता चल गया होगा कि रूप आपका चेंज हो जाता है, यानी जो अग्नेय राग या सेडिमेंटरी राग या अन्य कोई राग है उस पर जब बहुत अधिक प्रेशर कार्य करता है तो जो उसमें मिनरल होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, और जब प्रॉपर्टी चेंज होगी तो नए राग का फॉर्मेशन होगा, नई प्रॉपर्टी वाली राग का फॉर्मेशन होगा, तो जो वही नई राग बनती है उससे ही हम लोग मेटामॉर्फिक राग करते हैं। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान है आपका ये सब्जेक्ट। मेटामॉर्फिक राग किसे कहेंगे? जब आग्नेय राग या अन्य कोई राग पर बहुत अधिक प्रेशर या टेम्परेचर कार्य करता है तो उनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, जिसके कारण एक नए राग का फॉर्मेशन होता है, उसे ही हम लोग मेटामॉर्फिक राग कहते हैं। यदि देखा जाए इसके एग्जांपल के बारे में, तो जैसा कि मैंने बताया कि आग्नेय राग या सेडिमेंटरी राग से ही आपका मेटामॉर्फिक राग बनेगा, अन्य कोई राग से बनेगा, तो आइए देख लेते हैं किस राग से कौन सी मेटामॉर्फिक राग आपकी बनेगी, इसको हम लोग आइए देखते हैं। देखते हैं किस राग से कौन सी मेटामॉर्फिक राग प्राप्त होती है। तो आपकी राग वही आग्नेय होगी या सेडिमेंटरी होगी, क्योंकि मैंने बताया था कि आग्नेय या सेडिमेंटरी राग पर जब हाई प्रेशर या टेम्परेचर कार्य करता है तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, उसके मेटामॉर्फिक राग का फॉर्मेशन होता है। तो देखेंगे किस कौन सी आग्नेय या सेडिमेंटरी राग से कौन सी मेटामॉर्फिक राग प्राप्त हो रही है। तो सबसे पहला आपका ग्रेनाइट, क्योंकि ग्रेनाइट आपका आग्नेय राग है, ग्रेनाइट से आपका प्राप्त होता है नीच। ग्रेनाइट से जो आपका प्राप्त होता है वो नीच प्राप्त होता है। उसके बाद है आपका साइनाइट, साइनाइट से भी आपका नीच ही प्राप्त होता है, ये भी आपकी एक आग्नेय राग है। साइनाइट से जो आपका प्राप्त होता है वो नीच प्राप्त होता है। और तीसरा आपका बेसाल्ट एंड डोलोमाइट, तीसरा है आपका बेसाल्ट एंड डोलोमाइट, इससे जो आपका प्राप्त होता है उत्कृष्ट प्राप्त होता है। बेसाल्ट एंड डोलोमाइट से जो आपका प्राप्त होता है वो शिष्ट प्राप्त होता है। उसके बाद है आपका लाइमस्टोन, लाइमस्टोन से जो आपका मेटामॉर्फिक राग प्राप्त होता है वो आपका है मार्बल। लाइमस्टोन आपका एक सेडिमेंटरी राग है, इससे आपका मार्बल प्राप्त होता है। डोलोमाइट जैसा कि मैंने बताया था आग्नेय राग है, बेसाल्ट भी आपका आग्नेय राग है, यानी आग्नेय इस आग्नेय राग से आपका शिष्ट नामक मेटामॉर्फिक राग प्राप्त होता है। लाइमस्टोन नामक आग्नेय सेडिमेंटरी राग से आपका मार्बल नामक मेटामॉर्फिक राग प्राप्त होता है। और अगला है आपका मार्ल, इससे भी आपका मार्बल ही प्राप्त होता है। उसके बाद है आपका स्लेट, तो स्लेट से आपका सेल है, तो सेल से आपका प्राप्त होता है स्लेट, सेल से प्राप्त होता है आपका स्लेट। अगला है आपका मडस्टोन, ये आपका सेडिमेंटरी राग है, इससे भी आपका स्लेट ही प्राप्त होता है, यानी सेल से आपका स्लेट प्राप्त होता है और मडस्टोन से स्लेट प्राप्त होता है। सैंडस्टोन है अगला, सैंडस्टोन भी आपका सेडिमेंटरी राग है और सैंडस्टोन से आपका प्राप्त होता है क्वार्ट्जाइट। तो फिर से देख लीजिएगा, जो ग्रेनाइट नामक आग्नेय राग है उससे आपका नीज प्राप्त होता है, साइनाइट से भी आपका नीज ही प्राप्त होता है, बेसाल्ट एंड डोलोमाइट से शिष्ट प्राप्त होता है, लाइमस्टोन से मार्बल प्राप्त होता है और मार्ल से भी आपका मार्बल प्राप्त होता है, सेल से स्लेट प्राप्त होता है, मडस्टोन से आपका स्लेट प्राप्त होता है, सैंडस्टोन से क्वार्ट्जाइट प्राप्त होता है। कभी कभी इसके बारे में SSC JEE में आपका पूछ लिया जाता है, तो उसको भी याद करने की आप लोगों को जरूरत है। इसके बाद है आप हम लोग पढ़ेंगे जो अगला क्लासिफिकेशन है आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो आइए देखते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर राग को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में भी आपका राग को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका स्ट्रेटिफाइड राग, दूसरा है आपका अनस्ट्रेटिफाइड
रात, और तीसरा है आपका फोलिएटेड रात। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा होगा कि स्ट्रेटिफाइड मतलब परतदार चट्टान, परतदार चट्टान मतलब इन फॉर्म ऑफ लेयर्स, यानी जो रॉक लेयर्स के फॉर्म में होगी, इन फॉर्म ऑफ लेयर्स, उसे हम लोग कहेंगे स्ट्रेटिफाइड रॉक, यानी लेयर्स के फॉर्म में जो रॉक होगी उसे हम लोग स्ट्रेटिफाइड रॉक कहेंगे। यदि लेयर्स का मतलब एक परत के रूप में, तो यदि बात करें इसके एग्जांपल के बारे में, तो जैसा कि मैंने अभी पीछे ज्योलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मैंने बताया था सेडिमेंट्री रॉक के बारे में, तो जैसा कि मैंने बताया था सेडिमेंट्री रॉक आपका परतदार स्ट्रेटिफाइड रॉक होता है। तो जो एग्जांपल आपका सेडिमेंट्री रॉक का होगा वही एग्जांपल आपका स्ट्रेटिफाइड रॉक का होगा। तो एग्जांपल आपका सेडिमेंट्री रॉक। इसके बाद अगला है आपका अनस्ट्रेटिफाइड रॉक। अनस्ट्रेटिफाइड मतलब परत के रूप में नहीं होगी, यानी नॉट इन फॉर्म ऑफ लेयर। लेयर्स के फॉर्म में नहीं होगी। तो जैसा कि मैंने जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आग्नेयस रॉक के बारे में बताया था कि जो मैग्मा होता है कभी भी लेयर्स के फॉर्म में नहीं हो सकता है, तो आग्नेयस रॉक जो होती है आपकी अनस्ट्रेटिफाइड रॉक होती है। तो इसका एग्जांपल आपका हो जाएगा आग्नेयस रॉक का जो एग्जांपल होगा वही एग्जांपल आपका अनस्ट्रेटिफाइड रॉक का हो जाएगा। फोलिएटेड रॉक, फोलिएटेड मतलब परत के रूप में तो होगी, लेकिन परत का मतलब थोड़ा सा मोटा होता है। इसमें जो परत होगी वो बहुत ही महीन, जैसे कागज़ के रूप में, जैसे आप लोग चिप्स देखते होंगे, कागज़ भी देखे होंगे, उसी की मोटाई के समान जो राख, जो परत होगी उससे मिलकर जिस राख का फॉर्मेशन होता है उसे हम लोग फोलिएटेड राख कहते हैं, यानी थिन लेयर के रूप में, पतली लेयर के रूप में, यानी बहुत पतली लेयर होती है फोलिएटेड राख, यानी बहुत पतली लेयर से मिलकर जब राख का फॉर्मेशन होता है तो उसे हम लोग फोलिएटेड रॉक कहते हैं। फोलिएटेड रॉक के एग्जांपल के बारे में यदि हम लोग बात करें तो आप लोग कहेंगे कि स्ट्रेटिफाइड सेडिमेंटरी रॉक का एग्जांपल हो गया, अनस्ट्रेटिफाइड अग्नेयस रॉक का एग्जांपल हो गया, तो उसमें आपका मेटामॉर्फिक होना चाहिए, अवश्य होगा मेटामॉर्फिक, लेकिन थोड़ा सा चेंज है, मेटामॉर्फिक ही एग्जांपल होगा लेकिन क्वार्टजाइट और मार्बल को छोड़कर होगा। मेटामॉर्फिक जो एग्जांपल आपका मेटामॉर्फिक रॉक का होगा वही आपका एग्जांपल फोलिएटेड रॉक का होगा, लेकिन क्वार्टजाइट और मार्बल को छोड़कर। इसके बाद हम लोग बात करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन की। तो आइए देखते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। तो केमिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर रॉक को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। हम लोगों ने पढ़ा जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा पढ़ा फिजिकल क्लासिफिकेशन, अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन। तो केमिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर रॉक को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका क्ले और आर्जेलेसियस रॉक। पहला आपका क्ले और आर्जेलेसियस रॉक, यानी क्ले मतलब जिस रॉक में क्ले या एलुमिना मेन इंग्रेडिएंट होगा, यानी क्ले आपका मेन इंग्रेडिएंट होता है। जिस रॉक में आपका क्ले मेन इंग्रेडिएंट होगा वही आपकी क्ले और आर्जेलेसियस रॉक कहलाएगी। तो यदि बात करें एग्जांपल की, यानी मृतिका में चट्टान उसे कहेंगे, तो ये आपके हार्ड भी होते हैं और ड्यूरेबल भी होते हैं और ब्रिटल भी होते हैं। यदि इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आपका एग्जांपल हो जाएगा स्लेट, लेटराइट, एटीसी। दूसरा है आपका सिलिसियस रॉक, इसकी भी डिफिनेशन आप लोग समझ गए होंगे, जिसमें मेन इंग्रेडिएंट आपका सिलिका होगा, यानी SiO2 मेन इंग्रेडिएंट होगा। जिस रॉक में SiO2 मेन इंग्रेडिएंट होगा उसे हम लोग सिलिसियस रॉक कहेंगे। इसके एग्जांपल के बारे में बात करें तो इसका एग्जांपल आपका हो जाएगा सैंडस्टोन, क्वार्टजाइट, बेसाल्ट, ग्रेनाइट। यानी यदि इसके एग्जांपल के बारे में बात करें तो आपका हो जाएगा ग्रेनाइट, सैंडस्टोन,
पार्ट जाए इत्यादि। पहला था क्लेई, दूसरा है सिल्फियस और तीसरा है आपका कैल्सेरियस राग, मतलब जिसमें आपका कैल्शियम मेन इंग्रेडिएंट होगा, कैल्शियम आपका मेन इंग्रेडिएंट होगा, यानी जिस राग में आपका कैल्शियम मेन इंग्रेडिएंट होगा उसे हम लोग कैल्सेरियस राग कहेंगे। यदि इसके एग्जांपल के बारे में बात करें तो इसका एग्जांपल आपका हो जाएगा लाइमस्टोन और दूसरा आपका हो जाएगा मार्बल। तो पहला था आपका क्ले और आर्जेलेसियस राग, यानी क्ले मेन इंग्रेडिएंट होता है, अल्युमिना मेन इंग्रेडिएंट होता है, इसका एग्जांपल स्लेट, लेटेराइट। और दूसरा आपका सिलिसियस राग, यानी सिलिका मेन इंग्रेडिएंट, एग्जांपल ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, क्वार्ट्जाइट इत्यादि। तीसरा कैल्शियस राग, यानी कैल्शियम मेन इंग्रेडिएंट होगा, लाइमस्टोन, मार्बल आपका एग्जांपल हो जाएगा। तो राग को तीन भागों में क्लासिफाई किया गया है, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। जियोलॉजिकल के आधार पर तीन भागों में डिवाइड किया गया है, आग्नेयस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। तो आग्नेयस को भी तीन भागों में डिवाइड किया गया है, इंट्रसिव, इंट्रसिव, ये तो दो मेन भाग हो गए। इंट्रसिव को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है, प्लूटोनिक और हाइपरबेसल। और सेडिमेंट्री तो आप बता ही मैंने, मेटामॉर्फिक। और फिजिकल क्लासिफिकेशन में स्ट्रेटिफाइड है, अनस्ट्रेटिफाइड है, पोलिएटेड है। और केमिकल में आपका क्लेई, सिलिसियस, कैल्सेरियस राग। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है, यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आप हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ ए गुड बिल्डिंग स्टोन, यानी एक जो अच्छी बिल्डिंग स्टोन होती है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ ए गुड बिल्डिंग स्टोन। तो इसके अंतर्गत सबसे पहली प्रॉपर्टी है आपकी बेस। की हिंदी जानते होंगे, भार होती है। तो सबसे पहली आपकी प्रॉपर्टी है एक अच्छे बिल्डिंग स्टोन की बेस। तो बेस से हमें क्या पता चलता है, उस स्टोन के पोरोसिटी और डेंसिटी के बारे में हमें पता चलता है, डेंसिटी और पोरोसिटी के बारे में पता चलता है। कैसे पता चलता है, यदि वह स्टोन, जैसे आपकी कोई स्टोन है इसमें वाइट्स बहुत कम है, तो वाइट्स कम होने का मतलब उसकी पोरोसिटी कम होगी, क्योंकि मैंने सवाल में पढ़ाया था n=BV/V होता है। जब वाइट्स का वॉल्यूम कम होगा तो पोरोसिटी आपकी कम होगी, और पोरोसिटी आपकी कम होगी तो वाजिब सी बात है डेंसिटी आपकी ज़्यादा होगी। तो यानी यदि वेट आपका ज़्यादा है, किसी स्टोन का वेट ज़्यादा है, मतलब उसमें वाइट्स कम है, वाइट्स कम होने का मतलब पोरोसिटी कम है, पोरोसिटी कम होने का मतलब डेंसिटी ज़्यादा है। यानी वेट से हमें यह पता चलता है कि उस स्टोन की डेंसिटी कितनी है, पोरोसिटी क्या है, यानी किसी स्टोन के वेट के द्वारा हमें डेंसिटी और पोरोसिटी के बारे में, उस स्टोन के वेट और डेंसिटी और पोरोसिटी के बारे में हमें पता चलता है। फिर बात की जाए एक अच्छे बिल्डिंग जो आपका रिटेनिंग और वाल और डैम बनाए जाते हैं, या आपकी बात की जाए वाटर ब्रेकिंग स्ट्रक्चर, यानी वाटर को रोकने वाले जो स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, जैसे आपके डैम हैं, रिटेनिंग वाल हैं, यानी जो वाटर ब्रेकिंग स्ट्रक्चर होते हैं जैसे डैम, रिटेनिंग वाल, इनके लिए जो स्टोन हम लोग प्रयोग करेंगे वो हैवी वेट वाले स्टोन प्रयोग करेंगे। कौन से स्टोन प्रयोग करेंगे, हैवी वेट वाले स्टोन, हैवी वेट वाले स्टोन हम लोग प्रयोग करेंगे। और यदि हमें आर्च इत्यादि बनाना है तो हम लोग लाइट वेट वाले प्रयोग करेंगे। और यदि हमें कार्विंग या नक्काशी कार्य करना है, हिंदी में कहते हैं नक्काशी और इंग्लिश में कहते हैं कार्विंग, यदि हमें कार्विंग उस स्टोन पर करना है तो हम लोग सॉफ्ट प्रकार के स्टोन का प्रयोग करते हैं,
पूछ लिया जाता है कभी कभी पेपर में कि डैम रिटेनिंग वाल बनाने के लिए किस प्रकार के स्टोन का प्रयोग करते हैं, यानी हैवी वेट वाले स्टोन का प्रयोग करते हैं, और आर्च बनाने के लिए लाइट वेट वाले स्टोन का प्रयोग करते हैं, नक्काशी कार करने के लिए सॉफ्ट प्रकार के स्टोन का प्रयोग करते हैं। तो आपकी पहली प्रॉपर्टी थी वेट, दूसरी प्रॉपर्टी आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो एक बात करें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की, यानी संपीड़न सामर्थ्य, तो एक अच्छे बिल्डिंग स्टोन की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होनी चाहिए उस 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। यानी एक गुड बिल्डिंग स्टोन के बारे में बात की जाए तो जो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। यदि नॉर्मली देखा जाए बिल्डिंग स्टोन की, इसका वेरिएशन यदि देखा जाए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का, तो जो नॉर्मली बिल्डिंग स्टोन होता है उसका वेरिएशन आपका 66 से 200 न्यूटन पर mm² तक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वेरी करता है। यानी एक अच्छे बिल्डिंग स्टोन की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो 100 न्यूटन पर mm² से कम नहीं होनी चाहिए, और जो आपका नॉर्मली बिल्डिंग स्टोन होता है, सॉरी 60 होगा, वो नॉर्मली बिल्डिंग स्टोन के लिए जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो 60 से 200 न्यूटन पर mm² तक वेरी करती है। ये कुछ आपके जो स्टोन हैं उनके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो पहला इसी क्रम में आपका, सबसे पहले आपका है स्टोन और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इधर है आपका। पहला आपका ग्रेनाइट, ग्रेनाइट का आपका होता है 66 से 130। ग्रेनाइट का आपका होता है, सॉरी 66 नहीं होगा, आपका 77 होगा, 77 से 130 न्यूटन पर mm². दूसरा है आपका बैसाल्ट एंड ट्रैप, इसका आपका होता है 150 से 190 न्यूटन पर, ये सभी आपके इन न्यूटन पर mm² में। और तीसरा है आपका, पहला ग्रेनाइट, दूसरा है बैसाल्ट एंड ट्रैप, तीसरा आपका स्लेट। फिर स्लेट की बात करें तो 77 से 210 न्यूटन पर mm² होता है। चौथा है आपका लाइम स्टोन, इसकी बात करें तो 55 न्यूटन पर mm². पांचवा है सैंड स्टोन, इसका होता है आपका 66 न्यूटन पर mm². और छठा है आपका मार्बल, मार्बल की देखें तो 70 न्यूटन पर mm² आपका होता है, इसका था 65 होना चाहिए, 70 न्यूटन पर mm² होता है। यानी ग्रेनाइट का 77 से 130, बैसाल्ट एंड ट्रैप का 150 से 190, स्लेट का 77 से 210, लाइम स्टोन का 55 और सैंड स्टोन का 65 न्यूटन पर mm² और मार्बल का आपका होता है 70 न्यूटन पर mm². तो ये आपकी दूसरी प्रॉपर्टी थी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, और तीसरी प्रॉपर्टी आपकी वाटर एब्जॉर्प्शन, जल अवशोषण क्षमता। तो वाटर एब्जॉर्प्शन मतलब सोचते होंगे कि स्टोन की वाटर एब्जॉर्प्शन यानी जल अवशोषण क्षमता कितनी है। तो यदि बात की जाए एक अच्छे बिल्डिंग स्टोन की जो वाटर एब्जॉर्प्शन होनी चाहिए वो 5% से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी गुड बिल्डिंग स्टोन का वाटर एब्जॉर्प्शन होना चाहिए वो 5% से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि नॉर्मली देखा जाए तो नॉर्मली आपका 10 न्यूटन पर mm² से यदि अधिक है, नॉर्मली यदि 10 न्यूटन पर mm² से, यानी एक अच्छे बिल्डिंग स्टोन की जो वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होनी चाहिए वह उसके टोटल वेट के 5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। और यदि नॉर्मली देखा जाए तो यदि 10% से टोटल वेट के 10% से उसकी वाटर एब्जॉर्प्शन क्षमता अधिक है तो
तो उस स्टोन को हमें नेगलेक्ट कर देना चाहिए, यानी उस स्टोन को हमें स्ट्रक्चर कार्यों में यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपका स्टोन बहुत ही बेकार माना जाता है। कुछ स्टोन है आपके, उसकी वाटर एब्जॉर्प्शन दिया हुआ है, स्टोन है इधर आपका है वाटर एब्जॉर्प्शन। तो पहला है आपका लाइम स्टोन, इसका आपका वाटर एब्जॉर्प्शन होता है वो 10% होता है। दूसरा है आपका सैंड स्टोन, सैंड स्टोन का आपका 10% होता है। तीसरा है आपका सेल, सेल का भी 10% होता है। चौथा है आपका ग्रेनाइट, ग्रेनाइट का आपका 1% होता है। छठा है आपका, पांचवा है आपका नीज, नीज का भी 1% होता है। छठा है आपका स्लेट, स्लेट का आपका 1% से कम होता है। और सातवां है यानी स्लेट का लेस देन 1%। सातवां है आपका क्वार्ट्जाइट, क्वार्ट्जाइट का 3% होता है। आठवां है आपका ट्रैप, ट्रैप का 6% होता है। यानी जो लाइम स्टोन की वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है वो उसके टोटल वेट के 10% तक होती है। सैंड स्टोन की 10% होती है, सेल की भी 10% होती है, ग्रेनाइट की भी 1% होती है, नीच की 1% होती है, स्लेट की 1% से कम होती है, और क्वार्ट्जाइट की 3% होती है, ट्रैप की 6% होती है। तो पहला आपकी प्रॉपर्टी था वेट, दूसरा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तीसरा है वाटर एब्जॉर्प्शन। यदि स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और प्रॉपर्टी है आपकी, चौथा देख लीजिए इधर, चौथी प्रॉपर्टी है आपकी फायर रेजिस्टेंस। फायर रेजिस्टेंस यानी जो स्टोन है उसकी फायर को रजिस्ट करने की कैपेसिटी कितनी है, इसके बाद यही आपका फायर रेजिस्टेंस के बारे में, फायर रेजिस्टेंस बताता है कि किसी स्टोन की फायर के प्रति रेजिस्टेंस करने की, फायर को रेजिस्टेंस करने की कैपेसिटी कितनी है। तो जो आपका लाइम स्टोन होता है उसकी फायर रेजिस्टेंस कैपेसिटी 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है, और आपका जो सैंड स्टोन होता है उसकी 1200 से 1300 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। ध्यान दीजिएगा, सैंड स्टोन की यदि डेंसिटी हम बढ़ाते जाएं, यानी सैंड स्टोन को जितना हम कंपैक्ट करेंगे, जितना वाइट उसमें कम होगा, उसका उतना ही फायर के प्रति रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है। ध्यान दीजिएगा, नोट पॉइंट है, सैंड स्टोन की या सैंड की जितनी ही हम वाइट को कम करेंगे, कंपैक्ट जितना करेंगे, यानी उसकी डेंसिटी जितना बढ़ाएंगे, उसकी फायर के प्रति रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। यानी यदि किसी स्थान पर टेम्परेचर बहुत अधिक है या बहुत अधिक टेम्परेचर वाले प्लेसेस पर आपका कंपैक्ट या डेंस सैंड स्टोन का यूज किया जाता है। पेपर में पूछ लिया जाए कि हाई टेम्परेचर वाले प्लेसेस पर किस स्टोन का प्रयोग करते हैं, तो आपका आंसर सही होगा कंपैक्ट सैंड स्टोन या डेंस सैंड स्टोन। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज थी, एक अच्छे बिल्डिंग स्टोन की पहली प्रॉपर्टी थी वेट, दूसरी थी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तीसरी वाटर एब्जॉर्प्शन, चौथा था फायर रेजिस्टेंस। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों ने स्टोन के बारे में पढ़ लिया, और हम लोगों ने पढ़ लिया रॉक के बारे में, रॉक को कितने भागों क्लासिफाई किया गया है, और स्टोन के बारे में, स्टोन की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लिया। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है कि स्टोन को हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे, यानी क्वेरिंग ऑफ स्टोन। तो क्वेरिंग मतलब इस वजह से होंगे खुदाई करना, या क्वेरिंग यदि अपनी भाषा में बात करें तो पूछताछ करना, पूछताछ मतलब खुदाई करना, क्वेरिंग मतलब खुदाई करना, यानी स्टोन कैसे, स्टोन को प्राप्त करना ही आपका क्वेरिंग ऑफ स्टोन कहलाता है, यानी रॉक से स्टोन को प्राप्त करना ही रॉक से स्टोन को प्राप्त करना ही क्वेरिंग ऑफ स्टोन कहलाता है, यानी रॉक से स्टोन को प्राप्त करना ही क्वेरिंग ऑफ स्टोन कहलाता है। तो यदि देखें क्वेरिंग
के कितने मेथड हैं, तो कई मेथड हैं। पहला आपका है डिगिंग। तो बात करें यदि डिगिंग की, डिगिंग मतलब खुदाई होता है। डिगिंग की बात करें तो यह मेथड जो होता है आपका सॉफ्ट प्रकार के स्टोन के लिए यूज किया जाता है, यानी सॉफ्ट प्रकार का स्टोन जब प्राप्त करना होता है तो डिगिंग मेथड अपनाया जाता है। इस मेथड में जो टूल्स होते हैं, हैंड टूल इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो आपका होता है पॉइंटेड सीजर, कैंची, शब्बल इत्यादि होता है। उसके बाद आपका जो इस्तेमाल किया जाते हैं पॉइंटेड सीजर, कैंची, शब्बल इत्यादि, और ये सॉफ्ट प्रकार के स्टोन के लिए अप्लाई होता है। और आपके फन्नी भी इस्तेमाल किए जाते हैं, बेज वही स्टील बेज इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है आपका हीटिंग। तो यदि बात करें हीटिंग मेथड की, तो जो आपका हीटिंग मेथड होता है वो आपका जब स्मॉल साइज, इस मेथड का यूज तब किया जाता है जब हमें स्मॉल साइज और इरेगुलर शेप के स्टोन की रिक्वायरमेंट होती है। यानी यह मेथड तब इस्तेमाल किया जाता है जब स्मॉल साइज और इरेगुलर शेप के स्टोन की रिक्वायरमेंट होती है, तब हमें हीटिंग मेथड इस्तेमाल करना पड़ता है। यदि बात करें डिगिंग से किस प्रकार के आपके जो स्टोन प्राप्त किए जाते हैं, आपका कंकर है, लेटराइट है, कंकर और लेटराइट आदि आपके जो डिगिंग मेथड से इस्तेमाल आपके निकाले जाते हैं। और दूसरा है हीटिंग मेथड। तो हीटिंग से आपका निकाला जाता है ग्रेनाइट और नीच। हीटिंग मेथड से ग्रेनाइट और नीच इत्यादि तरह के जो स्टोन हैं आपके निकाले जाते हैं हीटिंग मेथड से। तीसरा है आपका बेजिंग। तो बेजिंग मतलब खुराक करना होता है। तो यह मेथड तब इस्तेमाल किया जाता है जब स्टोन में आपके क्रैक्स होते हैं। तो जो क्रैक्स होते हैं उस क्रैक्स में आपका स्टील बेज डेराइव किया जाता है, यानी धसाया जाता है। और जब स्टील बेज धसाया जाता है, प्रोसेस समझ लीजिएगा क्या होता है कि जब स्टोन में क्रैक्स होते हैं तो स्टील बेज को डेराइव किया जाता है। और जब स्टील बेज को डेराइव किया जाता है तो जो होल्स की साइज़ वो बढ़ती जाती है और क्रैक की साइज बढ़ती जाती है, और क्रैक की साइज बढ़ने के कारण स्टोन ब्लॉक के रूप में अलग हो जाता है। तो यही आपका बेजिंग मेथड था। और जब स्टोन में क्रैक्स नहीं होते हैं तो क्या किया जाता है कि उसमें आपका आर्टिफिशियल होल बनाया जाता है, यानी कृत्रिम होल बनाया जाता है फिजिकल मेथड के द्वारा। होल बनाकर उसमें आपका स्टील बेज डेराइव किया जाता है। जो होल का डाया होता है, जो होल का डाया आपका होता है वो 12 mm होता है। होल का डाया आपका 12 mm होता है और डेप्थ जो आपकी होती है 20 से 25 सेंटीमीटर होती है। और जो होल्स होते हैं उनका जो स्पेसिंग होता है, यानी अंतराल जो होता है, वो आपका 10 से 15 सेंटीमीटर होता है, 10 से 15 mm होता है। जो होल्स का अंतराल होता है वो 10 से 15 सेंटीमीटर ही होगा, सॉरी 10 से 15 सेंटीमीटर होता है। मान लीजिए कोई राख है, इस राख में बेज होल बनाए जा रहे हैं, तो ये जो होल हैं दोनों, इनका जो अंतराल होगा वो 10 से 15 सेंटीमीटर होगा, यानी इन होल्स का जो अंतराल होगा वो 10 से 15 सेंटीमीटर होगा। तो बेजिंग में क्या होता है, जब होल्स होते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है, क्रैक्स होते हैं। जब क्रैक्स नहीं होते हैं तो उसमें आर्टिफिशियल होल बनाया जाता है जिसका डाया 12 mm होता है, डेप्थ 20 से 25 सेंटीमीटर रखी जाती है, और जो होल्स की स्पेसिंग होती है वो 10 से 15 सेंटीमीटर रखी जाती है। और उस इस मेथड के द्वारा, इस मेथड को सॉफ्ट प्रकार के स्टोन निकालने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और आपका जब पर्सियस स्टोन, जैसे आपका मार्बल है, इसको भी निकालने के लिए आपका इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। यानी पर्सियस स्टोन मार्बल को निकालने के लिए भी बेजिंग मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। और जो सॉफ्ट प्रकार के स्टोन है, जैसे लाइम स्टोन, सैंड स्टोन, लेटराइट आदि को निकालने के लिए भी बेजिंग मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। चौथा है आपका, पहला था डिगिंग, दूसरा है हीटिंग, तीसरा है बेजिंग, और चौथा है आपका चैनलिंग मेथड। प्रॉपर्टी है आपकी चैनलिंग मेथड, यानी इस मेथड को तब अपनाया जाता है जब आपका स्मॉल साइज और इरेगुलर शेप का स्टोन प्राप्त करना होता है। तो आइए देखते हैं चैनलिंग मेथड में क्या होता है। इसमें जहां से हमें स्टोन निकालना होता है,
वहाँ पर आपका वर्टिकल ग्रुप बनाया जाता है, और जो ग्रुप की लंबाई होती है, जो लेंथ होती है आपकी 24 मीटर होती है, और जो आपकी चौड़ाई होती है यानी ब्रिज जो होती है आपकी 50 से 75 एमएम होती है। यानी चैनलिंग मेथड में जहाँ से स्टोन हमें निकालना होता है वहाँ से हम वहाँ पर वर्टिकल ग्रुप बनाते हैं, और जो ग्रुप की लंबाई होती है वो आपकी 24 मीटर होती है, और जो चौड़ाई होती है 50 से 75 एमएम होती है, और जो इसमें चैनलिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है, और यह मशीन आपकी इलेक्ट्रिसिटी या कंप्रेस एयर के द्वारा चलती है। जो आपका ग्रुप होता है वो ग्रुप की जो डेप्थ होती है आपकी 2.4 से 3.7 मीटर तक होती है। ध्यान दीजिएगा, लंबाई आपकी 24 मीटर रखी जाती है ग्रुप की यानी खांचा की, और चौड़ाई 50 से 75 एमएम रखी जाती है। डाया 2.4 से 3.7 मीटर रखा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि चैनलिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है, वह मशीन आपकी इलेक्ट्रिसिटी या कंप्रेस एयर की सहायता से चलती है, और वर्टिकल ग्रुप जहाँ से स्टोन निकालना होता है वहाँ पर हम बनाते हैं। उसकी लंबाई 24 मीटर रखी जाती है, चौड़ाई 50 से 75 एमएम, और डाया 2.4 से 3.7 एमएम रखी जाती है। इसके बाद क्या होता है, इस मेथड से बड़े साइज के स्टोन प्राप्त किए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस मेथड से आपके जो स्टोन प्राप्त किए जाते हैं वो बड़े साइज के स्टोन प्राप्त किए जाते हैं। यही आपका था यह सब प्रकार की राख के लिए उपयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट मेथड है आपका ब्लास्टिंग मेथड। तो ब्लास्टिंग मतलब समझते ही होंगे आपका होता है विस्फोटन, यानी विस्फोटक विधि जो आपकी स्टोन निकालने की होती है। पहली विधि मैंने बताया था कि जो होती है वो आपकी डिगिंग होती है, दूसरी हीटिंग होती है, और तीसरी वेजिंग होती है, और चौथा मेथड आपका जो है चैनलिंग है, और लास्ट मेथड है आपका ब्लास्टिंग मेथड। तो इसमें क्या होता है कि ब्लास्टिंग मटेरियल का यूज किया जाता है, यानी विस्फोटक पदार्थ का यूज किया जाता है। और क्या होता है, इस मेथड का प्रयोग वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हार्ड प्रकार की राख होती है। यानी यदि पूछ लिया जाए पेपर में कि हार्ड प्रकार की राख के लिए किस विधि का स्टोन प्राप्त करने के लिए प्रयोग करते हैं, तो आपका आंसर होगा ब्लास्टिंग मेथड, यानी विस्फोटन विधि का प्रयोग हार्ड प्रकार की राख से स्टोन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो आइए देखते हैं ब्लास्टिंग मेथड में क्या होता है। इस मेथड में आपके कुछ टूल्स होते हैं उसका यूज किया जाता है। इसके अंतर्गत पहला टूल है आपका जंपर एंड डिपर। तो इसका यूज क्या होता है, इस टूल्स का यूज क्या होता है जंपर एंड डिपर का, इसका यूज होता है ब्लास्ट के लिए, या आपका यूज करते हैं होल बनाने के लिए। ड्रिलिंग के लिए भी इसका यूज हम लोग करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहला आपका टूल्स है जंपर एंड डिपर, इसका प्रयोग ब्लास्ट के लिए करते हैं, फोटन के लिए कर सकते हैं, या होल बनाने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं, ड्रिलिंग के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा इंस्ट्रूमेंट है आपका स्क्रैपर। तो स्क्रैपर के नाम से पता चल रहा होगा किसका कार्य सफाई करना होता है। तो इस स्क्रैपर के द्वारा जो ब्लास्ट होल होते हैं, ब्लास्ट होल में जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको दूर करने के लिए या साफ करने के लिए, तथा जो डस्ट होती है उसको भी साफ करने के लिए आपका स्क्रैपर का यूज किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, स्क्रैपर का यूज क्या होता है आफ्टर ब्लास्टिंग मेथड में। तो स्क्रैपर का यूज जो ब्लास्ट होल होते हैं उनमें जो स्टोन के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं या डस्ट होती है उसको साफ करने के लिए आपका स्क्रैपर का यूज किया जाता है। तीसरा मेथड है, तीसरा इंस्ट्रूमेंट है आपका प्राइमरी नीडल। तो इसका यूज क्या होता है प्राइमरी नीडल का, तो ध्यान दीजिएगा कि जो प्राइमरी नीडल होती है, जब हम लोग कंपैक्शन करते हैं यानी टैंपिंग करते हैं, तो होल की साइज में अंतर आता जाता है या बढ़ती जाती है। तो होल की साइज को मेंटेन करने के लिए, जो ब्लास्टिंग के लिए होल बनाते हैं हम लोग, उसकी साइज को मेंटेन करने के लिए प्राइमरी नीडल का प्रयोग किया जाता है। यह आपकी कापर की एक रॉड होती है जिसके एक सिरे पर हैंडल लगा होता है और दूसरा सिरा आपका पॉइंटेड होता है यानी नुकीला होता है। ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी नीडल का क्या क्या होता है, टैंपिंग के समय जो होल की साइज होती है उसको मेंटेन करने के लिए आपका प्राइमरी नीडल का यूज किया जाता है। और प्राइमरी नीडल में क्या होता है कि इसमें एक कापर की रॉड होती है, रॉड का एक सिरा पॉइंटेड होता है यानी नुकीला होता है, और दूसरा सिरा जो होता है आपका उस पर हैंडल लगा होता है। इसके बाद आपका अगला इंस्ट्रूमेंट है, चौथा इंस्ट्रूमेंट है आपका टैंपिंग बार। टैंपिंग बार बोल सकते हैं या टैंपिंग रॉड बोल सकते हैं।
तो इसमें क्या होता है, एक राड होती है, पीतल की एक राड होती है जिसका डाया आपका 12 mm होता है, पीतल की एक राड होती है जिसका डाया 10 से 15 mm होता है। तो जो टैंपिंग बार होती है इसका डाया आपका 10 से 15 mm या 12 mm रखा जा सकता है। तो इसका यूज क्या होता है, आपकी पीतल की एक राड होती है, टैंपिंग के लिए, कंपैक्शन के लिए आपका इसका यूज किया जाता है। जो ये आपकी, फिर से सुन लीजिएगा, ये आपकी एक पीतल की राड होती है जिसका डाया 10 से 15 mm रखा जाता है या 12 mm भी रखा जा सकता है, उसके 10 से 15 के बीच में कुछ भी हो सकता है। इसका यूज आपका कंपैक्शन या टैंपिंग के लिए किया जाता है। इसके बाद आपका पांचवा है डेटोनेटर। तो डेटोनेटर एक ऐसी युक्ति होती है जिसका उपयोग हम लोग ब्लास्टिंग के लिए करते हैं, यानी विस्फोटन के लिए करते हैं। इसमें आपका जो होता है 5 ग्रेन फ्लूमिनेट मरकरी के होते हैं, HG का होता है। यानी डेटोनेटर एक ऐसी युक्ति होती है जिसका उपयोग हम लोग ब्लास्टिंग के लिए करते हैं, यानी विस्फोटन के लिए करते हैं। और इसमें जो आपका होता है 5 ग्रेन फ्लूमिनेट मरकरी का होता है। इसको इनिशिएट करने के लिए या इसके विस्फोटन के लिए हम लोग जो यूज करते हैं उसका नाम है आपका, इसके विस्फोटन के लिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी या फ्यूज का उपयोग करते हैं, यानी जो विस्फोटन है उसके लिए। तो डेटोनेटर एक ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा विस्फोटकों को इनिशिएट किया जाता है या जलाया जाता है। इसमें आपके 5 ग्रेन फ्लूमिनेट मरकरी के होते हैं और इसके विस्फोटन के लिए इलेक्ट्रिसिटी या फ्यूज का प्रयोग करते हैं। ये बात आती है फ्यूज क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, फ्यूज आपका एक कार्टन का वायर होता है, फ्यूज आपका एक कार्टन का वायर होता है जिस पर टार का लेप लगा होता है, जिसका उपयोग हम लोग विस्फोटकों में आग लगाने के लिए करते हैं। फ्यूज जो होता है आपका वो एक वायर होता है, कॉपर का एक वायर होता है जिस पर टार का लेप लगा होता है, और इसका यूज हम लोग विस्फोटकों में आग लगाने के लिए करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहला इंस्ट्रूमेंट था जंपर एंड डिपर, दूसरा था स्क्रैपर, तीसरा है प्राइमरी इंडरिन, और चौथा टैंपिंग बार, और पांचवा है डेटोनेटर। तो डेटोनेटर मैंने बताया था एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से विस्फोटकों को इनिशिएट किया जाता है। इसमें 5 ग्रेन फ्लूमिनेट मरकरी के पाए जाते हैं जिसके विस्फोटन के लिए इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूज का यूज किया जाता है, और फ्यूज आपका कॉटन का एक वायर होता है, जिसका उपयोग विस्फोटकों में आग लगाने के लिए करते हैं हम लोग। और ये जो आपका फ्यूज है वह विस्फोट जो 5 ग्रेन फ्लूमिनेट मरकरी के हैं इसके विस्फोटन के लिए इलेक्ट्रिसिटी या फ्यूज का उपयोग करते हैं। तो अगला आपका टॉपिक है कुछ ब्लास्टिक मटेरियल हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से ब्लास्टिक मटेरियल हैं। तो पहला ब्लास्टिक मटेरियल है, ब्लास्टिक मटेरियल मतलब विस्फोटक पदार्थ, पहला है आपका गन पाउडर, या इसको हम लोग कहते हैं ब्लास्टिंग पाउडर। तो जो पहला आपका ब्लास्टिंग मटेरियल है आपका गन पाउडर या ब्लास्टिंग पाउडर। तो इसमें क्या होता है, 75% साल्टपीटर का होता है, चारकोल 15% होता है, और सल्फर जो आपका होता है वो 10% होता है, या फिर इसका जो कंपोजिशन है वो भी चेंज हो सकता है, ये आपका 65% हो सकता है, और जो चारकोल है आपका वो 20% हो सकता है, और जो आपका सल्फर है वो 15% हो सकता है। यानी जो गन पाउडर होता है उसमें साल्टपीटर 75%, चारकोल 15%, सल्फर 10%, या फिर साल्टपीटर 65% हो सकता है, चारकोल 20% हो सकता है, और सल्फर आपका 15% होता है। यानी ये तीन चीजों से मिलकर आपका गन पाउडर बना होता है। हम लोग ब्लास्टिंग के लिए इसी मटेरियल का सबसे ज्यादा यूज करते हैं, यानी गन पाउडर का ही सबसे ज्यादा यूज करते हैं। क्यों सबसे ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि जो इससे आपका स्टोन प्राप्त होता है,
वो ब्लॉक के रूप में प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा हम लोग गन पाउडर का ही यूज करते हैं, क्योंकि जो इससे स्टोन प्राप्त होता है वो आपका टुकड़ों के रूप में या ब्लॉक के रूप में प्राप्त होता है। दूसरा आपका ब्लास्टिंग मटेरियल है गन कार्टन। तो इसमें क्या होता है, गन कार्टन में क्या होता है आपका, कि इसमें नाइट्रोग्लिसरीन होती है, कार्टन को नाइट्रिक अम्ल में सैचुरेट करके बनाया जाता है, यानी जिसमें होता है कार्टन को। नाइट्रिक अम्ल में सैचुरेट करके बनाया जाता है, यानी जो गन कार्टन आपका होता है उसको बनाने के लिए कार्टन को नाइट्रिक अम्ल में सैचुरेट करते हैं, तब आपका गन कार्टन नामक ब्लास्टिंग मटेरियल तैयार होता है। तीसरा है आपका डायनामाइट। तो डायनामाइट में क्या होता है, आपकी 75% नाइट्रोग्लिसरीन होती है और 25% सैंडी अर्थ पाया जाता है, इससे मिलकर आपका डायनामाइट डायनामाइट बना होता है। 75% नाइट्रोग्लिसरीन और 25% आपका सैंडी अर्थ होता है। इसका यूज कहां पर करते हैं हम लोग, इसका यूज टनल निर्माण में या डैम सिचुएशन में भी इसका यूज हम लोग करते हैं। डैम सिचुएशन में इसका यूज हम लोग करते हैं डायनामाइट का। डायनामाइट जो आपका होता है वो 75% नाइट्रोग्लिसरीन और 25% सैंडी अर्थ से मिलकर बना होता है, और जो इसका प्रयोग होता है टनल निर्माण में या डैम सिचुएशन में भी करते हैं टनल निर्माण में। ध्यान दीजिएगा, डायनामाइट का यूज हम लोग डैम सिचुएशन में भी कर सकते हैं और टनल निर्माण में भी कर सकते हैं। चौथा है आपका पहला था गन पाउडर, दूसरा था गन कार्टन और तीसरा था डायनामाइट, चौथा है आपका कॉर्डाइट। चौथा जो आपका ब्लास्टिंग मटेरियल है वो कॉर्डाइट है। तो कॉर्डाइट किससे किससे मिलकर बना होता है, यह नाइट्रोग्लिसरीन और नाइट्रोसेलुलेज से मिलकर बना होता है। जो कार्डाइट होता है वो आपका नाइट्रोग्लिसरीन और नाइट्रोसेलुलोज से मिलकर बना होता है। यह आपका स्मोक लेस यानी धुआं रहित होता है, इसका प्रयोग हम लोग अंडर वाटर करते हैं। कार्डाइट जो आपका होता है स्मोक लेस होता है यानी धुआं रहित होता है। SSC जे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किसी एक स्मोकलेस ब्लास्टिंग मटेरियल का नाम बताइए, तो आपका है कार्डाइट। कार्डाइट जो आपका होता है धुआं रहित होता है और इसका प्रयोग हम लोग अंडर वाटर करते हैं। अंडर वाटर इसका प्रयोग करते हैं हम लोग, और जो आपका इसमें होता है नाइट्रोग्लिसरीन और नाइट्रोसेलुलेज होता है। यह जो कार्डाइट नाम का ब्लास्टिंग मटेरियल है वो नाइट्रोग्लिसरीन और नाइट्रोसेलुलोज से मिलकर बना होता है। इसके बाद अगला आपका ब्लास्टिंग मटेरियल है पांचवा राख के राख है। तो आइए देखते हैं राख के राख क्या होता है। पहला था गन पाउडर, दूसरा गन कार्टन, तीसरा है डायनामाइट, चौथा है कार्डाइट और पांचवा है आपका राख के राख। तो इसका यूज हम लोग कहां करते हैं, इसका यूज भी हम लोग अंडर वाटर ही करते हैं। अंडर वाटर प्रयोग करने के लिए सबसे इफेक्टिव आपका ब्लास्टिंग मटेरियल माना जाता है। जो राख के राख है वह इसका जो अंडर वाटर प्रयोग करने में सबसे अधिक इफेक्टिव माना जाता है। और जो इसमें आपका होता है पोटेशियम क्लोरेट, आपका 79% होता है और नाइट्रोबेंजाल 21% होता है। तो पोटेशियम क्लोरेट होता है वो आपका 79% और नाइट्रोबेंजाल जो होता है आपका 21%, यानी जो रॉक के रॉक नामक ब्लास्टिंग मटेरियल है वो पोटेशियम क्लोरेट 79% और नाइट्रोबेंजाल 21% से मिलकर बना होता है। इसे अंडर वाटर प्रयोग करने के लिए सबसे इफेक्टिव ब्लास्टिंग मटेरियल माना जाता है। और लास्ट में आपका लिथोफ्रैक्टर। तो लिथोफ्रैक्टर इसका प्रयोग हम लोग टनल निर्माण में करते हैं, टनल निर्माण के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है।
तरल मतलब आप लोग समझते होंगे सुरंग बनाने के लिए सबसे अधिक इफेक्टिव आपका जो ब्लास्टिंग मटेरियल है वो लिथो फ्रैक्टर है। इसमें आपका नाइट्रोग्लिसरीन, बैराटा का नाइट्रेट्स और सल्फर तथा चारकोल आपसे मिलकर बना होता है। यह जो आपका है नाइट्रोग्लिसरीन, बैराटा का नाइट्रेट्स चारकोल तथा नाइट्रोग्लिसरीन बैराटा के नाइट्रेट्स चारकोल तथा आपका जो होता है सल्फर होता है आज से मिलकर बना होता है। जो आपका लिथो फ्रैक्टर है वो नाइट्रोग्लिसरीन बैराटा के नाइट्रेट्स चारकोल तथा सल्फर इत्यादि से मिलकर आपका जो लिथो फ्रैक्टर नामक ब्लास्टिंग मटेरियल है ये बना होता है। तो ये कुछ आपके ब्लास्टिंग मटेरियल थे। पहला था आपका गन पाउडर, दूसरा है गन कार्टन, तीसरा है डायनामाइट, चौथा कार्डाइट, पांचवा है राके राख, छठा लिथो फ्रैक्टर। इसके अलावा भी आपका लिक्विड ऑक्सीजन और जिग्नाइट का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो दो आपके प्लास्टिक मटेरियल हैं वो लिक्विड ऑक्सीजन है और लास्ट में आपका ग्लिग्नाइट, ये दो अन्य ब्लास्टिक मटेरियल भी प्रयोग किए जाते हैं विस्फोटन के लिए। तो ये आपके ब्लास्टिक मटेरियल थे। यदि आपका आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, LLR। काफी ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। तो क्या होता है LLR? LLR क्या होता है, लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस? तो वह न्यूनतम दूरी जिसका अनुसरण करने पर हमें विस्फोटक का कम से कम प्रतिरोध झेलना पड़े उसे हम लोग लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस कहते हैं। फिर से समझिएगा, वह न्यूनतम दूरी जिसका अनुसरण करने पर विस्फोटक गैसों का कम से कम प्रतिरोध झेलना पड़े यानी कम से कम सहना पड़े उसे हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। फिर से समझ लीजिएगा, लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस क्या होता है? तो वह न्यूनतम दूरी जिसका अनुसरण करने पर यानी जिसको फॉलो करने पर हमें विस्फोटकों का विस्फोटक गैसों का कम से कम प्रतिरोध झेलना पड़े उसे हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। तो इसका फार्मूला भी है, ग्राम में लाइन ऑफ ब्लास्टिंग पाउडर को ग्राम में निकालने का फार्मूला भी है। ब्लास्टिंग पाउडर इसका फार्मूला होता है LLR की लंबाई इन सेंटीमीटर का होल ऑफ स्क्वायर अपान 61। ब्लास्टिंग पाउडर ग्राम में फार्मूला होता है LLR की लंबाई सेंटीमीटर का होल ऑफ स्क्वायर अपान 61। तो लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस समझ ही गए होंगे कि वह न्यूनतम दूरी जिसका अनुसरण करने पर हमें विस्फोटक गैसों का कम से कम प्रतिरोध झेलना पड़े उसे हम लोग कहते हैं LLR, लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। इसके बाद अगला टॉपिक है आपका स्टेप्स इन ब्लास्टिंग मेथड यानी ब्लास्टिंग मेथड में कौन कौन से स्टेप होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है आपका डिगिंग या ड्रिलिंग भी इसको कहते हैं। दूसरा आपका होता है टेम्परिंग। तीसरा स्टेप होता है आपका चार्जिंग और चौथा आपका होता है ब्लास्टिंग या फायरिंग। ये आपके स्टेप हैं इन जो स्टेप है ब्लास्टिंग मेथड में। आपका पहला है डिगिंग, दूसरा है टेम्परिंग, तीसरा है चार्जिंग और चौथा है फायरिंग। सबसे पहला स्टेप होता है डिगिंग, दूसरा होता है टेम्परिंग और चौथा होता है चार्जिंग और पांचवा होता है आपका फायरिंग। डिगिंग को हम लोग बोरिंग भी कह सकते हैं, बोरिंग और डिगिंग। पहला स्टेप जो आपका है बोरिंग और डिगिंग, दूसरा है टेम्परिंग, तीसरा है चार्जिंग और चौथा है फायरिंग। तो जो उसमें बोर होल की लेंथ होती है आपकी 1 से 2.5 मीटर होती है। जो बोर होल की लेंथ होती है वो आपकी होती है 1 मीटर से 2.5 मीटर और जो आपकी डायमीटर होता है बोर होल का वो 2 से 4 सेंटीमीटर होता है। बोर होल का जो डाया होता है वो 2 से 4 सेंटीमीटर होता है। तो जो ब्लास्टिंग मेथड में स्टेप्स हैं उसमें पहला आपका बोरिंग, दूसरा है टेम्परिंग, तीसरा है चार्जिंग और चौथा है फायरिंग। जो उसमें बोर होल की लंबाई होती है आपकी 1 से 2.5 मीटर होती है और जो डाया होता है 2 से 4 सेंटीमीटर होता है। तो अगला टॉपिक है आपका ड्रेसिंग ऑफ स्टोन।
तो ड्रेसिंग ऑफ स्टोन क्या होता है? ड्रेसिंग मतलब होता है छटाई करना। तो ड्रेसिंग ऑफ स्टोन क्या होता है? तो स्टोन को सूटेबल शेप और साइज में लाना ही आपका ड्रेसिंग कहलाता है। ड्रेसिंग ऑफ स्टोन क्या होता है? क्वेरिंग हम लोगों ने पढ़ा था, क्वेरिंग कैसे करते हैं, ब्लास्टिंग मेथड भी हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद जो स्टोन प्राप्त होता है वो आपका यूज करने लायक तो होता है, लेकिन हम जो अपने यूज में लाते हैं जिस शेप में हमें चाहिए उस शेप में लाने के लिए आपका ड्रेसिंग किया जाता है। कुछ ड्रेसिंग टूल के भी यूज किए जाते हैं। तो क्वेरिंग के बाद जो स्टोन प्राप्त होता है उसे सूटेबल शेप और साइज में ले आना ही ड्रेसिंग आपका कहलाता है। ड्रेसिंग के लिए आपके जो टूल्स यूज किए जाते हैं उसमें आपके कुछ टूल्स हैं, फेस हैमर, पॉइंटेड सीजर, मेस हैमर, स्टील वेज इत्यादि। और कई भी उपकरण हैं। मुख्य उपकरण आपके फेस हैमर है, मेस हैमर है, पॉइंटेड चीजल है और स्टील वेज है। तो ये आपके इत्यादि कई भी उपकरण हैं जिसका उपयोग हम ड्रेसिंग भी करते हैं। जो हार्ड प्रकार की स्टोन होती है उसकी ड्रेसिंग के लिए हम लोग क्रॉस कट साह का यूज करते हैं। जो हार्ड प्रकार की राख होती है उसके लिए हम लोग उसकी ड्रेसिंग के लिए हम लोग क्रॉस कट साह का प्रयोग करते हैं। तो ये आपका था ड्रेसिंग ऑफ स्टोन, यानी जो क्वेरिंग के बाद स्टोन प्राप्त होता है उसे सूटेबल शेप और साइज में ले आना, ये आपका ड्रेसिंग कहलाता है। ड्रेसिंग के लिए कुछ टूल्स यूज किए जाते हैं जिसमें आपका क्रॉस कट साह है, फेस हैमर है, मेस हैमर है, पॉइंटेड सीजर है, स्टील वेज है इत्यादि हैं। हार्ड प्रकार की राख के लिए ड्रेसिंग के लिए यानी हार्ड प्रकार की राख की ड्रेसिंग के लिए छटाई के लिए हम लोग क्रॉस कट साह का यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका सीजनिंग ऑफ स्टोन। सीजनिंग से पहले हम लोग ड्रेसिंग करते हैं और ड्रेसिंग से पहले क्वेरिंग करते हैं, क्योंकि जब तक क्वेरिंग नहीं करेंगे तब तक हम लोग ड्रेसिंग भी नहीं कर पाएंगे। और ड्रेसिंग करने के बाद सीजनिंग यानी संशोधन करते हैं। तो सीजनिंग ऑफ स्टोन क्या होता है? तो जो ड्रेसिंग के बाद स्टोन प्राप्त होता है उसमें कुछ न कुछ नमी स्टोन में नमी अवस्था पाई जाती है। उन स्टोन्स में जो ड्रेसिंग के बाद स्टोन प्राप्त होते हैं उन स्टोन्स में कुछ न कुछ नमी अवस्था पाई जाती है। उस नमी को ही रिमूव करना या कम करना सीजनिंग ऑफ स्टोन कहलाता है। यानी स्टोन से नमी को रिमूव करना या कम करना ही आपका सीजनिंग कहलाता है। तो जो सीजनड स्टोन होता है जिस स्टोन में से नमी रिमूव हो जाती है या कुछ कम हो जाती है उस पर उसके फेस पर एक क्रिस्टलाइन फिल्म बन जाती है। यानी जो स्टोन की सीजनिंग हो जाती है उस स्टोन की फिल्म पर, उस स्टोन की जो सरफेस होती है उस पर क्रिस्टलाइन फिल्म बन जाती है जिससे उस स्टोन का वेदर के प्रति रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। यानी मौसम के प्रति रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। यदि स्टोन में आपकी नमी है तो उसका वेदर के प्रति रेजिस्टेंस कम होगा। यानी जब स्टोन की सीजनिंग हो जाती है तो उस स्टोन के सरफेस पर क्रिस्टलाइन फिल्म बन जाती है जिससे उस स्टोन का आपका वेदर के प्रति रेजिस्टेंस जो होता है वो बढ़ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रिजर्वेशन ऑफ स्टोन। तो क्या होता है प्रिजर्वेशन ऑफ स्टोन? यानी प्रिजर्वेशन मतलब परिरक्षण, परिरक्षण का मतलब रक्षा करना। तो रक्षा करने का मतलब ही है, स्टोन से मतलब लेंगे परिरक्षा करना का, तो हो जाएगा कि स्टोन की ड्यूरेबिलिटी या टिकाऊपन को बढ़ाना ही आपका प्रिजर्वेशन कहलाता है। यानी स्टोन की ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए उसका प्रिजर्वेशन किया जाता है, परिरक्षण किया जाता है। तो कुछ परिरक्षक हैं यानी प्रिजर्वेटिव मटेरियल्स हैं उनका हम यूज करते हैं स्टोन का प्रिजर्वेशन करने के लिए। फिर से समझिएगा प्रिजर्वेशन ऑफ स्टोन क्या होता है। स्टोन की ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए उसका प्रिजर्वेशन किया जाता है और कुछ प्रिजर्वेटिव का यूज किया जाता है प्रिजर्वेशन के लिए, जिसमें आपका पहला है कोल तार। तो कोल तार का यूज जनरली नहीं किया जाता है क्योंकि इसका यूज करने पर स्टोन का कलर चेंज हो जाता है। कोल तार का यूज हम लोग जनरली नहीं करते हैं क्योंकि इसका यूज करने पर जो स्टोन का ओरिजिनल कलर है वो आपका चेंज हो जाता है, इसीलिए हम लोग कोल तार का यूज नहीं करते हैं। दूसरा है आपका पैरा फिनायल।
तो पैराफिन आयल का भी यूज जनरली नहीं किया जाता है क्योंकि इससे भी स्टोन का कलर चेंज हो जाता है। तीसरा है आपका पेंट, तो पेंट का यूज हम लोग जनरली करते हैं क्योंकि इससे स्टोन की कोई भी आपकी जो प्रॉपर्टी है चेंज नहीं होती है, कोई भी क्वालिटी चेंज नहीं होती है। तो पेंट का यूज हम लोग प्रिजर्वेशन के लिए, प्रिजर्वेटिव के रूप में स्टोन के प्रिजर्वेशन के लिए करते हैं। चौथा आपका है लिंटेड आयल, तो लिंसेड आयल की हिंदी होती है अलसी का तेल। तो अलसी का तेल यदि हम कच्चा प्रयोग करते हैं यानी रॉ लिंसेड आयल का प्रयोग करते हैं तो जो स्टोन का ओरिजिनल कलर होता है वो चेंज नहीं होता है। तो जो यदि हम कच्चे अलसी का तेल का यूज करते हैं तो स्टोन का ओरिजिनल कलर चेंज नहीं होता है, लेकिन हमें स्टोन का प्रिजर्वेशन प्रत्येक वर्ष करना पड़ता है। यही दिक्कत होती है राल लिंसेड आयल का प्रिजर्वेशन के रूप में प्रयोग करने पर। यदि हम लोग राल लिंसेड आयल का यूज करते हैं तो स्टोन का ओरिजिनल कलर चेंज नहीं होता है, लेकिन जो स्टोन का प्रिजर्वेशन होता है वो प्रत्येक वर्ष करना पड़ता है। यदि बॉइल्ड लिंसेड आयल का प्रयोग करते हैं यानी उबले अलसी के तेल का प्रयोग करते हैं तो स्टोन का जो ओरिजिनल कलर होता है वो तो चेंज होता है, लेकिन यदि एक बार प्रिजर्वेशन कर दिया जाए तो उसे हमें बार बार प्रिजर्वेशन करने की नीड नहीं होती है, यानी जरूरत नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है। तो समझिएगा लिंसेड आयल का यूज भी हम लोग प्रिजर्वेशन के लिए, प्रिजर्वेशन ऑफ स्टोन के रूप में स्टोन के लिए करते हैं। यदि रॉ लिंसेड आयल का यूज करते हैं तो स्टोन का ओरिजिनल कलर चेंज नहीं होता है, लेकिन जो प्रिजर्वेशन होता है उसे हमें प्रत्येक वर्ष करना पड़ता है या बार बार करना पड़ता है। यदि बॉइल्ड यानी उबले अलसी के तेल का प्रयोग हम लोग प्रिजर्वेटिव के रूप में करते हैं तो स्टोन का जो प्रिजर्वेशन होता है वो प्रत्येक वर्ष नहीं करना पड़ता है यानी बार बार नहीं करना पड़ता है, लेकिन जो स्टोन का ओरिजिनल कलर है वो आपका चेंज हो जाता है। तो ये आपके कुछ प्रिजर्वेटिव्स है जिनका यूज हम लोगों ने पढ़ा, कैसे क्या यूज करते हैं, किन किन का यूज किया जा सकता है, किन किन का यूज नहीं किया जा सकता है। उसके बाद एक आपका और प्रिजर्वेटिव है वेरिटा सॉल्यूशन। तो बेरेटा सॉल्यूशन का यूज हम लोग कहाँ पर करते हैं, जो आपके इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं जहाँ पर अम्ल का इफेक्ट अधिक होता है, यानी इंडस्ट्रियल एरिया में जहाँ पर एसिड का इफेक्ट अधिक होता है वहाँ पर हम लोग बेरेटा सॉल्यूशन का प्रयोग करते हैं इंडस्ट्रियल एरिया में। यानी इंडस्ट्रियल एरिया में जहाँ पर अम्ल का प्रभाव इफेक्ट अधिक होता है वहाँ पर हम लोग बेरिटा सॉल्यूशन का यूज करते हैं। इसमें होता क्या है कि जो अम्ल का सल्फेट कंटेंट है वह आपका जो स्टोन में कैल्शियम मटेरियल है, कैल्शियम कंपाउंड है, उससे क्रिया करके कैल्शियम सल्फेट बना लेता है। ध्यान से समझिएगा क्यों यूज करते हैं बेरिटा सॉल्यूशन का। इंडस्ट्रियल एरिया में जो अम्ल का प्रभाव है उसमें जो अम्ल में सल्फेट कंटेंट पाए जाते हैं स्टोन में, चूंकि पता होगा कि कैल्शियम कंटेंट अवश्य पाया जाएगा, उस कैल्शियम कंटेंट से अम्ल का सल्फेट कंटेंट क्रिया करके कैल्शियम सल्फेट बना लेता है। और जो आपका कैल्शियम सल्फेट है वो आपका चिपचिपा पदार्थ होता है जिससे वह आपका धूल इत्यादि को चिपका लेता है, जिससे जो स्टोन की ड्यूरेबिलिटी या डीके होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। फिर से समझिएगा, जो अम्ल का सल्फेट कंटेंट है वो कैल्शियम कंटेंट से, स्टोन के कैल्शियम कंटेंट से क्रिया करके कैल्शियम सल्फेट बना लेता है। और जो आपका कैल्शियम सल्फेट है वो आपका बहुत ही चिपचिपा पदार्थ होता है, और चिपचिपा पदार्थ होने के कारण जो धूल इत्यादि, डस्ट इत्यादि हैं उसको अपने आप में चिपका लेता है, जिससे यानी स्टोन के सरफेस पर धूल की लेयर बन जाएगी, जिससे स्टोन के डीके होने की संभावना अधिक हो जाएगी, और डीके होने की संभावना अधिक होगी तो उसकी ड्यूरेबिलिटी भी कम हो जाएगी। इसीलिए हम लोग बेरिटा सॉल्यूशन का यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो बेरिटा सॉल्यूशन यानी बेरियम हाइड्रोक्साइड होता है वह जो आपका कैल्शियम सल्फेट से क्रिया करके, मैंने पहले बताया था अम्ल आपका कैल्शियम कंटेंट से क्रिया करके कैल्शियम सल्फेट बनाएगा, तो जब बेरिटा सॉल्यूशन का यूज करेंगे तो बेरियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम सल्फेट से क्रिया करके बेरियम सल्फेट बना लेता है, बेरियम सल्फेट बना लेगा। और जो आपका बेरियम सल्फेट होता है वो आपका जो धूल इत्यादि है उसको अलग अलग कर देता है, और इसको पानी से आसानी से धोया भी जा सकता है। तो बेरियम सल्फेट का यूज करने से होता क्या, बेरियम सल्फेट जब बनता है तो उससे होता क्या, जो स्टोन पर धूल इत्यादि चिपकती है वो चिपक नहीं पाती है, उसको पानी से आसानी से धोया भी जा सकता है। इसके बाद जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है वह वायुमंडल से CO2 लेकर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बन रहा है वो वायुमंडल से CO2 एब्जॉर्ब करके या ग्रहण करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है,
तो जब कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा और आप जल भी बनता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट चूंकि आपका स्टोन ही होता है, तो इससे आपको पता चल गया होगा कि कैल्शियम कार्बोनेट के बनने से जो स्टोन की क्वालिटी होती है वो और भी बढ़ जाती है। तो फिर से समझ लीजिएगा, जो बेरियम हाइड्रोक्साइड होता है वो कैल्शियम सल्फेट से क्रिया करके बेरियम सल्फेट बना लेता है, और जो एक्स्ट्रा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है वो वायुमंडल से CO2 ग्रहण करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, जिससे स्टोन की क्वालिटी और भी बढ़ जाती है, ड्यूरेबिलिटी और भी बढ़ जाती है, और जो आपका बेरियम सल्फेट होता है इसको पानी से आसानी से धोया भी जा सकता है, जिससे जो स्टोन की ड्यूरेबिलिटी या डिके होने की जो संभावना होती है वो आपकी कम हो जाती है। तो यही आपका था बेरिटा सॉल्यूशन। तो ये आपका टॉपिक था प्रिजर्वेशन ऑफ स्टोन, जिसमें आपका पहला था कोल था, दूसरा था पैराफिन आयल, तीसरा था पेंट, चौथा था लिंसेड आयल, और पांचवा था बेरिटा सॉल्यूशन। तो ये आपके हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था क्वेरिंग ऑफ स्टोन, उसके बाद पढ़ा ड्रेसिंग ऑफ स्टोन, उसके बाद पढ़ा सीजनिंग ऑफ स्टोन, उसके बाद हम लोगों ने अध्ययन किया प्रिजर्वेशन ऑफ स्टोन के बारे में। तो आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, इसको ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। तो ये जो टॉपिक है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, इसके अगले वीडियो में लास्ट टॉपिक हम लोग अध्ययन करेंगे टेस्टिंग ऑफ स्टोन के बारे में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए अगले पार्ट टू में या लेक्चर टू में हम लोग अध्ययन करेंगे टेस्टिंग ऑफ स्टोन के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग।